डभोई फायर विभाग तथा डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा अस्पताल में आग आकस्मिक घटना से निपटने के लिए और दर्दियों की बचाव कामगिरी के भागरूप मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डभोई फायर टीम तथा डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा कोरोना वायरस की महामारी के बीच अस्पताल में पैदा हो रही वैसी आग की दुर्घटना में बचाव कामगिरी तथा दर्दियों के बचाव के लिए किस प्रकार से तबीब और डॉक्टर कार्य कर सके उस बारे में मार्गदर्शन तथा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डभोई फायर टीम द्वारा तबीब तथा स्टाफ को अस्पताल में फायर सेफ्टी की किट का इस्तेमाल फायर हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने के साथ किस प्रकार से आग दुर्घटना को रोकने के साथ बचाव कामगिरी की जाए वैसा मार्गदर्शन दिया गया था। इस मौके पर मददनीश कलेक्टर तथा प्रांत अधिकारी शिवानी गोयल, इंचार्ज मामलतदार आर राठवा, डीएसओ सहित वडोदरा डिजास्टर के अधिकारी सहित महानुभव उपस्थित रहे थे, जिसमें फायर विभाग के अधिकारी कर्मचारी तथा अस्पताल स्टाफ को फायर सेफ्टी के बारे में मार्गदर्शन देते हुए मॉक ड्रिल की गई थी। आज डभोई में यहाँ सीएचसी पर जो ट्रेनिंग फायर और सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई है और मॉक ड्रिल भी किया गया है, उसका महत्व ये है कि यहाँ सब डॉक्टर्स है, इमरजेंसी होती है तो पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना वो जानते हैं, उन्होंने सुना है फायर होता है तो कैसे क्या होता है, मगर कैसे उसको हैंडल करना, कौन से स्टेप्स लेना है, कैसे टीम वर्क से काम करना है ताकि पेशेंट की सुविधा भी बनती रहे, उसका ट्रीटमेंट भी चालू रहे, वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, और साथ ही साथ फायर या शॉर्ट सर्किट होता है तो कैसे इसको एक्सटिंग्विश करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे टीम वर्क डॉक्टर का, नर्स का, इलेक्ट्रिशियन का, फायर डिपार्टमेंट का और एम्बुलेंस का, 108 का, सभी कोऑर्डिनेशन से कैसे फायर को एक्सटिंग्विश करेंगे, कैसे अपना जो पेशेंट है उसको वहाँ से सेफली बाहर निकालेंगे ऑक्सीजन के साथ, ये पूरी ट्रेनिंग दी गई है, एक्सप्लेन किया गया है।